हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज जो क्लास होने वाली है, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल पहले तो हम पहला पीडीएफ में आपका लेगा, है ना। तो सभी जल्दी जल्दी आ जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन बैगानी, दूसरा है लुधांती, तीसरा है बिंझवारी, या चौथा है सदरी। तो इसका आंसर आपका होगा, ऐसी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, लोधांती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन करना है आपको, है ना। तो ये पलान शब्द हर एक एग्जाम में आता है, और मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जितने भी अभी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी टेस्ट के रूप में लेकर आया हूँ। तो सभी ज्वाइन कीजिएगा और सभी अपना प्रयास कीजिएगा कि सभी के सभी में आंसर सही होने का है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग तुक्का नहीं लगाना है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है इतना, तो हम प्रयास कर रहे हैं, इतना हमारा जो परफॉर्मेंस है, कंटेंट है, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को एक बार यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि डेली क्लास आपका रहेगा 7:30 बजे। डेली आपका लाइव क्लास रहेगी, 7:30 बजे आपका लाइव क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास? लाइव क्लास, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, लाइव क्लास रहेगी। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंचित क्षेत्र की भूमि, है ना। और टॉपिक वाइज आपको कवर कराऊंगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है ना। तो दिए गए वाक्य में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? आम। हाँ, ये पूर्ण सकर्मक वाक्य है। तो राम हा आमा खात रही, दूसरा है पूरी हा अपन दाइल ओढ़ना दिस, तीसरा है मैं हा वो साधु ला चोर समझ पा रहे हूँ, या फिर चौथा है रामू हा अपन ददा ला 4 रुपया दिस। एकर आंसर का हो ही, कमेंट करके बताओ जल्दी। हाँ, दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्य पूछा गया है, पूर्ण सकर्मक वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम हा आमा खात रहीस, राम हा आमला खात रहीस, ये ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। अब चौथा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम का, है ना। व्यापम के एग्जाम में और पीएससी के एग्जाम में 2 बार। तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो आप सभी को मैं समास के उदाहरण से लेटेस्ट बताऊंगा और टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा, तो आप लोग समझते जाइएगा। ऑप्शन ए भतखुआ, ऑप्शन बी वन मानुष, ऑप्शन सी माल गोदाम, ऑप्शन डी सरगवासी। तो देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण ऑप्शन डी होगा, सरगवासी। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा, सरगवासी, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्या आ जाएगा? सरगवासी। हाँ, अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपका 6 प्रकार के होते हैं। किनको मालूम नहीं है? समास 6 प्रकार के होते हैं, और प्रयोग के आधार पर, अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रयोग के आधार पर, ये एग्जाम में पूछा गया तभी मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, है ना। तो प्रयोग के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, है ना। आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर पहला कौन सा समास है आपका, ये 6 प्रकार के समास होते हैं, तो यहाँ पर देखते जाइएगा। अव्यवी भाव समास, अव्यवी भाव समास, है ना। अब दूसरा यहाँ से हो जाएगा, कौन सा समास है दूसरा? तत्पुरुष समास, है ना। तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा आपका
तीसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ठीक है। चौथा है आपका द्विगु समास, द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि द्विगु अगर कोई भी संख्या जैसे एक वचन, एक द्विपद यानी कि पांचवट, पंचवटी, ये सभी क्या है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है भाई बहन समास। तत्पुरुष समास में कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, है ना, तो आ रहा है सर्ग में वासी, सर्ग वासी ऑप्शन डी। और पांचवा है आपका कौन सा है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और छठवा हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपका टोटल 6 प्रकार के समास हो चुका। ठीक है, तो ऐसे ही इसका पूरा डिटेल आपको कल क्लास में लेकर आऊंगा, संधि से, समास से, कारक, विभक्ति, देशा शब्द, विदेशा शब्द, टॉपिक वाइज आपको कवर कराऊंगा। अगर ये 2 क्लास आपको अपलोड करूंगा, 2 क्लास मात्र, 2 वीडियो अपलोड करूंगा, ये सभी की सभी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि देखिए इसमें सभी हिंदी में बहुत सारे आते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ोगे, तो मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बस वीडियो को वॉच करते रहिएगा, डेली 5 से 6 वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। तो सभी के सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, क्लास जुड़ जाइएगा, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं और इनमें से किस शब्द का उसका गलत अर्थ होता है। तो गलत अर्थ कौन कौन सा होता है, ऑप्शन ए भलुक यानी कि बल्कि, ये तो सही है, तो गलत पूछा गया है ना यहाँ, क्या गलत अर्थ पूछा गया है, गलत अर्थ। सन यानी समान, बिल्कुल सही है। चिटिक मतलब थोड़ा सा, ये भी सही है। और यहाँ पर लटपट मतलब सचमुच, यानी कि ये आपका गलत है। लटपट का मतलब होता है सचमुच थोड़ी ना होगा भाई, लटपट का मतलब सचमुच नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब छत्तीसगढ़ी व्याकरण भाषा का प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, जो आपके सहकारिता विभाग में, सहकारिता विभाग का मतलब होता है अपेक्स बैंक भर्ती, यानी कि अपेक्स बैंक भर्ती जिसका 407 पोस्ट यानी कि निकल कर आया हुआ है। तो वीडियो को जरूर देखना और स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करते हो तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, टेस्ट दीजिएगा, आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जल्दी से आ जाइएगा क्लास में, और जिनको तैयारी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लिंक टच मत करना, है ना, जिनको तैयारी करना है आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, छत्तीसगढ़ी शब्दों में प्रयुक्त सही देशा शब्द, आपको देख रहा होगा ये देशा शब्द, मैं क्या बोला हूँ, टोटल अगर यहाँ से पीडीएफ में आपका पार्ट 1 में आपका टोटल 20 प्रश्न और PDF 2 में आपका 40 प्रश्न, दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर, यहाँ से इन दोनों को मिलाकर टोटल 60 प्रश्न भी आपको मैं कराने वाला हूँ। कितना प्रश्न, 60 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, है ना। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा क्लास में और सभी के सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये देशा शब्द क्या है, जेबर पथरा, तुबर, दर चूरा, सलग, ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ना। जिनको ज्वाइन नहीं करना है वीडियो स्किप कर देना, जिनको पढ़ाई नहीं करना है सिलेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना, एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए यह क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का हिंदी व्याकरण के टोटल 40 प्रश्न अभी हम देखेंगे, अभी यानी कि टोटल 60 प्रश्न। अब देखिए इसका आंसर होगा सी, दर चूरा, दर चूरा इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब, देशज शब्द। चलिए अचरा मारना का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, तो वही टॉपिक लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोकोक्ति, मुहावरा, हाना, पहेलिया, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके, और मेरा जो कंटेंट है आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अचरा मारना का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी मुहावरा में शरम देना नहीं होगा बेटा, यहाँ पर टोना करना। ऑप्शन ए होगा टोना करना, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, टोना करना हो जाएगा, इसका आंसर ए। जी बिल्कुल, हाँ हाँ सभी को मेरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग आ चुके हैं वो क्लास अटेंड कीजिएगा, बाद में जो नहीं आए हैं लाइव क्लास में बाद में देख सकते हो, ठीक है, क्लास को बाद में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मुड़ी गरियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है, आपके पीएससी एग्जाम में 2 से 3 बार और व्यापम के एग्जाम में भी हाल में हुआ है, जैसे लेबर इंस्पेक्टर और बहुत सारे एग्जाम में हुआ, उसमें 1 से 2 बार पूछा गया है ना। तो मुड़ी गरियाना, और ये 2018 और 19 में भी पूछा गया है, 2018 और 19 में भी पूछा गया है, आप लोग अगर चाहे तो एग्जाम का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मुड़ी गणियारा का मतलब होता है लज्जित होना, क्या होता है, लज्जित होना। और छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ, ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, है ना, अलार दे दुलार दे और लेके कचार दे, इसका मतलब होता है रह चुली पानी ही थे ना करछुल, क्या होगा, अलार दे फिर दुलार दे, ऐसे ऐसे करके पूरा कचारता नहीं, मतलब बोला कहते छेना छेना, ऐसे ऐसे करके पूरा बनाथन और थोपथन बोला कर, अब तू ही मन जानू भाई ये छेना मैंने बना हुआ है ना, वही कहते छेना। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है, प्राकृतिक की भास धातु से, अपभ्रंश की भास धातु, या संस्कृत की भाष धातु, या पाली की भाष धातु है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, संस्कृत के भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु, भाष धातु, ठीक है, संस्कृत के भाष धातु। अब देखिए मात्रा के आधार पर स्वर की मुख्यता कितने भेद होते हैं, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, या ऑप्शन डी चार। तो ये जो मात्रा होता है आपका स्वर के आधार पर टोटल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। आप हर एक को सॉल्व करके मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा आपको, आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, उद्धार का सही विच्छेद क्या है, उत धन हार, उत धार, ये आपका हो जाएगा उत धन हार, ये आ जाएगा आपका उत धार, ठीक है, आपका आ जाएगा उत धार। मोती शब्द किस वर्ग में आता है, तो ये आपको कौन सा है, लिंग से पूछा गया है, कैसे, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आपको पुरुष लिंग, 3 प्रकार के होते हैं सॉरी, उसके बाद स्त्रीलिंग और तीसरा है आपका उभयालिंग, उभयालिंग मतलब लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष, लेकिन यहाँ पर उभयालिंग भी देखें, जो कि आपका जैसे नदी पर्वत ये सब अलग अलग आ जाएगा, ये सब उभयालिंग आपको मैं बताऊंगा कल के क्लासेस में, पूरा डिटेल बताऊंगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इसका कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंग है, सर्वनाम है, तद्भाव है, तत्सम है, प्रत्यय है, सभी के सभी क्लास हम कर लेंगे, एक ही वीडियो में सभी नहीं ले पाएंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वही टॉपिक लेकर आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 5 से 6 वीडियो लाऊंगा, कितने क्वेश्चन, बस 5 से 6 वीडियो, 5 से 6 वीडियो लाऊंगा, कवर कर लेना। इसका आएगा मोती शब्द आपको पुरलिंग होगा, ठीक है, क्या आएगा, पुरलिंग। चांदी वाली थाली किस कारण का उदाहरण, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक आपका होगा 8 प्रकार के, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो देखना, मतलब बहुत कुछ सीख के जाने वाला है, बहुत कुछ। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं कारक, ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप लोग को मैं कल बताऊंगा। इसका आंसर होगा चांदी वाली थाली, ये आपका हो जाएगा संबंध कारक, कौन सा है,
कारक। सभी को मैं कल बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक है, कल बताऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना। हाँ, संबंध आएगा, यह कोई नया काम नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नया काम नहीं है जो, कौन सा है, सर्वनाम उदाहरण कौन सा आएगा, यह कोई नया काम नहीं। निश्चयवाचक, ऑप्शन बी कौन सा है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। संबंध, कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका आंसर डी होगा, पन्ना। कौन सा हो जाएगा, पन्ना, ठीक है। और जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, वादी, यानी कि प्रतिवादी। काजल काला करना, काजल काला करना मोहरे का अर्थ क्या, मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा। काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ भी लिखना या उपयुक्त सभी। तो कागज काला करना का मतलब होता है बिना मतलब के कुछ भी लिखना, बिना मतलब के कुछ भी लिखना, है ना। ज्वाइन कर लीजिएगा और आंसर देना स्टार्ट की, प्रयास कीजिएगा टेस्ट का, ठीक है। आप लोग प्रयास करते रहिए, टेस्ट का काफी महत्वपूर्ण है ना। चलिए तब तक मैं और देखता हूँ पीडीएफ का पहला क्वेश्चन, इसका मतलब होगा सी। और जिन्हा ढूंढा तीन पाया, गहरे है ये, पहरे नहीं है ये, आपका गहरे है, गहरे, ठीक है। गहरे पानी पैट, गहरे पानी पैट। जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पैट। इसके कहावत का अर्थ है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, जितना लगन से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, परीक्षा की तैयारी करोगे, रात दिन एक करोगे, तो आपको एक न एक दिन सफल होना है ना। तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपको मेहनत का फल मिलेगा। तो क्या करे, जितना जिन्हा टूटना तीन पहिया, पैनी पारे पैट, वही है कि जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा परिश्रम का फल मिलेगा। वही वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो वो आपके ऊपर है, मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अब जितना ज्यादा वाच करोगे, जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, उतना ही आपको मजा आएगा। क्या होगा इसका, परिश्रम करना बताया हूँ। ये टोटल 20 प्रश्न है आपका, पहला पीडीएफ का है ना, पहला पीडीएफ का, पहला क्वेश्चन का 20 प्रश्न। आप सेकंड पीडीएफ देखेंगे इसके बाद, टोटल हमने 20 क्वेश्चन करे हैं। सेकंड है आपका 40 MCQ, हिंदी व्याकरण से 40 MCQ करेंगे, है ना। अभी तो 20 क्वेश्चन ही किए हैं, फिर अभी 40 क्वेश्चन करेंगे, तभी तो आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे, तो तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है, सभी के सभी क्लास में कल थोड़ी ना कराऊंगा, है तभी एक ही दिन में थोड़ी ना आप लोग पढ़ पाओगे, याद थोड़ी ना होगा। वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार नहीं, 2 से 3 बार देखना, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और एक बार एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है बार बार रिप्लाई करके तैयारी करना, रिवाइज करके तैयारी करना, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आता तो स्किप करके चले जाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण क्या नहीं है पूछा जाए, तो तुम्हार क्या है क्रिया विशेषण नहीं है, क्या है तुम्हार क्या है क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास में डेली लाइव क्लास 7:30 बजे ली जाती है। जो डिस्क्रिप्शन की नहीं, जो नीचे बैकग्राउंड में आपको लाइन लाइन दिख रहा होगा, वहां पर पूरा मैं आपको दे दिया हूँ। मेंबरशिप की क्लास है, लाइव क्लास 7:30 बजे, पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, है ना। तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं,
जैसे नीचे में देख रहा होगा, अगर मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हो तो 299 रुपये, 399 रुपये यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए नीचे आपको पूरा लाइन लाइन में दिख रहा होगा, चलती हुआ है ना, वही है आपका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कल टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, तो नोट कीजिएगा है ना, और आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, कल तैयारी कीजिएगा, फिर आप लोग लाइव टेस्ट दीजिएगा। लाइव टेस्ट कल यानी कि 23 सितंबर, सितंबर को आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, 23 सितंबर को आपका टेस्ट रहेगा। टॉपिक से क्या क्या पढ़ के आना है आप लोग को मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ नोट्स, है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ के आना है कल रात को 7:30 बजे। तो पहला है आपका समास, समास से पढ़ के आना है। दूसरा है संधि, संधि से। तीसरा है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या क्या पढ़ के आना है आपको मैं बता रहा हूँ। क्रिया विशेषण, संधि हो गया, समास हो गया है, तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा काल, उसके बाद है कारक, उसके बाद देशज शब्द, देशज, विदेशज, विदेशज। बस इतना आप लोग पढ़ के आना है कल के टेस्ट के लिए, है ना। कल आपका टेस्ट होगा लाइव क्लास में 7:30 बजे 23 सितंबर को। तो सभी के सभी इस टॉपिक को पढ़ लेना अपने तरीके से, और इसका हम क्लास लेंगे थ्योरी क्लास में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा ऐसे, समास, संधि, क्रिया विशेषण, तद्भव, तत्सम, कारक, ये सभी कल के क्लासेस में भी मिलेगा आपको। ठीक है, कौन से में? कल के क्लासेस में कल आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास 12 बजे के बाद आपको मिलेगा, 12 बजे के बाद, है ना। रिकॉर्डेड क्लास आपको इसी टॉपिक पर मिल जाएगा। मैं कल आपको थ्योरी क्लास करा दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और अपने तरीके से बुक वगैरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका टेस्ट देने कल रात 7:30 बजे आइएगा इसी चैनल पर, इसी चैनल पर, है ना। तो लाइव क्लास कल होगी 23 सितंबर को, आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है सहकारिता यानी कि अपेक्स बैंक भर्ती का, है ना। तो जितना ज़्यादा तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ही के लिए फ़ायदा है, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है ना। तो ये सब मैं अभी टोटल 20 प्रश्न किए हैं PDF 1 में, है ना। अब आप देखेंगे PDF 2 में 40 MCQ। तो तैयार हो जाइएगा और ये सब पढ़ के आइए। कल के टॉपिक है आप सभी के लिए समास, संधि, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भाव, काल, कारक, देशज, विदेशज, ये टॉपिक दिया हूँ। और इसका थ्योरी क्लास 12 बजे के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और रात को 7:30 बजे जरूर आइएगा टेस्ट देने। ठीक है, आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा कल के क्लासेस में। मैं टॉपिक बता दिया हूँ, है ना, और इसका थ्योरी क्लास आपको 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आप शो कर रहा होगा। टोटल 40 प्रश्न, ये आपका PDF 2 है। यहाँ से मैं देखिए कलर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला कलर चूज कर लिया हूँ। ये आपका PDF, PDF 2 है, 40 MCQ का टेस्ट। चलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी को शेयर कीजिएगा। तब तक थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है भाई, बहुत ऊर्जा खपत होता है ना, बहुत ऊर्जा खपत होता है। चलिए अब आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा 40 प्रश्न का। तो आश्रित वर्ण को क्या कहते हैं, तो आश्रित वर्ण को क्या कहते हैं। अभी पार्ट 1 वीडियो में टोटल 20 प्रश्न देखे हैं ना, पार्ट 1 में 20 प्रश्न देखे हैं, अब 40 क्वेश्चन देखेंगे। वही तो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आंसर देंगे। स्वर्ण वर्ण होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण वर्ण होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जिनको मालूम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको मालूम है कमेंट करते चलिएगा, मालूम नहीं है तो आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा। ठीक है, और सीखने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास करते रहिएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही है, सीखने का प्रयास करते रहिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, च व्यंजन का उच्चारण होता है, तो च व्यंजन का उच्चारण क्या है? तो इसका आंसर आपका होगा क्या, क्या होगा? अब इसका मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, यहाँ पर कैसे याद करना है। तो क प, यानी कि कंठव्य, तालव्य, मूर्धय, दंतय और ओष्ठय। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है ना। तो ये आपका हो जाएगा कंठव्य, कंठव्य तालव्य दंतय, कंठव्य तालव्य मूर्धय ना, मूर्धय, कर्तव्य तालव्य मूर्धय, दंतय और ओष्ठय, दंतय और ओष्ठय। अब यहाँ पूछा गया च वर्ण, तो यहाँ पर देखिए च वर्ण कौन सा आ जाएगा, ये वाला, यानी कि तालव्य। आंसर तालु से, समझ में आ रहा है ना? ये वाला टॉपिक है, इसमें कितने स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 13, 11, 14 या फिर 15, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? व्याकरण के क्वेश्चन में इसको कराऊंगा, ये टॉपिक बचा हुआ है, भाग टू का टॉपिक बचा हुआ है, थ्योरी क्लास। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है? ये सभी के सभी कल के क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि वहां से एक एक नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी के एग्जाम है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13 नहीं बेटा, 11 हो, क्योंकि व्यापम 11 लेता है, व्यापम आपका 11 लेता है। 13 अगर आप डालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप लोग एक नंबर से पीछे रह जाएंगे, है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल है। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग है? अभी पहला भाग वन में पीडीएफ में देखा था हमने, पुरुष वाला। मोती शब्द कौन सा है? मोती पुरुष क्या है? मोती क्या है? पुरलिंग है बेटा, पुरलिंग है। मोती क्या है? पुरलिंग है। अब उसी प्रकार पूछा गया है स्त्रीलिंग, कौन सा द्रव? पानी, रस, जल, कॉफी। तो रस क्या है? स्त्रीलिंग है, रस है ना, स्त्रीलिंग है। उकरांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? उकरांत के लिए क्या लगाए बेटा? ए लगाएंगे, और क्या लगाए, सॉरी, ए लगाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल है, तो मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चा। बार बार आप लोग पूछते हो ना कि सर ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ये आपके एग्जाम में, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम आए हुए हैं, वही है क्वेश्चन का प्रीवियस वर्ष, है ना, वही है क्वेश्चन, पूरा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और बार बार वही होता है रिपीट। और कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, कहाँ ढूंढ के लाएगा, पेपर से कहाँ ढूंढ के लाएगा, एग्जाम से है ढूंढ के लाता है क्या कोई? ये पढ़ लो, सिलेक्शन होने का चांस है। हिंदी में, हिंदी में अगर 10 नंबर का पूछा जा रहा है ना, तो 8 से 9 नंबर मेरे अगर चैनल पर पढ़ते हो तो कवर हो जाएगा, है ना, कवर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर 8 से 9 नंबर नहीं आया, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको लाइव क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले गारंटी लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे एग्जामों को में ही एग्जाम दिया है मैंने, मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, इसीलिए आप सभी को इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, सिर्फ कॉन्फिडेंस। आप लोग मत समझने कि ओवर कॉन्फिडेंस है सर करके, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि ये क्वेश्चन आएगा और इस प्रकार हमको क्वेश्चन पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा करके, है ना, ऊर्जा बहुत लगता है। ऊर्जा बहुत लगता है, मैं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसमें के 8 से 9 नंबर के प्रश्न अगर आपको बन जाता है, कम से कम इसमें अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ जाता है आपके से, 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएगा ना, बहुत है, अच्छा है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं 5 से 6 वीडियो लाऊंगा, और ऐसे वीडियो लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी क्लास अगर आपको पढ़ना है रिकॉर्डेड, तो 12 बजे के बाद क्लास ली जाती है, 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग क्लास आपको दिया जाएगा, है ना, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में। अर्थ की विचार से संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ की विचार से संज्ञा 4 प्रकार का होता है,
निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय मतलब यह, ठीक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। क्रिया का धातु मूल रूप क्या होगा? धातु। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? पुल्लिंग। हिंदी भाषा का कौन सा शब्द मानक हिंदी है? तो आपका हो जाएगा बेटा पूर्वी हिंदी। कौन सा है? पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी? क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा और सभी लोग आंसर बताते चलिएगा। जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी बताएगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक, अब आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब आ रहा होगा अच्छे से। विजयादशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? विजयादशमी का संज्ञा का कौन सा भेद है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। विजयादशमी का संज्ञा का कौन सा भेद है? विजयादशमी, विजय नाम से आ रहा है आपका। दिखाई दे रहा है लाइटिंग की वजह से बेटा, मैं लाइट नहीं किया हूँ ना, तो ये ओवर लाइट नहीं है मेरे पास, जैसे लाइट के लिए पैसा नहीं है मेरे पास अभी, है ना, लाइट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, लाइट बड़ा वाला जो आता है ना, कैमरा लाइट, कैमरा लाइट, उसके लिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, है ना। तो जिनको अगर पैसा देना है तो दे सकते हैं इच्छा अनुसार। है ना, इच्छा अनुसार आप दे सकते हो पैसा अगर आपको देना है तो। ठीक है, अगर आप मैं अगर आप सपोर्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर सपोर्ट करते हैं तो कुछ मिल सकता है मुझे, या फिर ये वाला जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें, अगर कुछ पैसा डोनेट करते हो तो मैं कैमरा ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ पैसा, अगर सभी के सभी डोनेट करते हैं कुछ पैसा देते हैं तो मैं कैमरा ले सकता हूँ और अच्छे से लाइटिंग आएगा। ठीक है, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो, कुछ पैसा वगैरह अगर डोनेट करना चाहते हो। लाइट नहीं है ना मेरे पास, जैसे इधर बैकग्राउंड वाला लाइट आता है, इधर भी बैकग्राउंड वाला लाइट आता है, दोनों तरफ जब फोकस होता है ना, इधर दोनों तरफ फोकस होगा तभी फेस में आएगा, तभी तो मेरा चेहरा चमक आएगा, तब आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है लाइट खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है वो, आपका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता है। तो अभी मैंने बहुत सारा खर्चा कर लिया है, अभी 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा किया है यहाँ पर, 50 से 60 हज़ार रुपया ये कैमरा के लिए खर्चा किया है। ठीक है, तो अगर दो कैमरा लगता है तो हो जाएगा। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, आप लोग बताइएगा। तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, चलिए बताइएगा। 13 हो जाएगा, 13 का आपका होगा आंसर ए, कोमल। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? कोमल। और किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का, कौन सा हो जाएगा? सी, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा है? निधन अर्थक, 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए।
हाथों हाँ, हाथों हाथ कौन सा समास है? हाथों हाथ कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? 17 का क्या आएगा? सी। 17 का होगा आपका सी। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? सी। का चयन कीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। पत्रिका, टीका, यानी कि ऑप्शन सी। आपत्ति का सही विपरीत शब्द कौन सा है? आपत्ति का बताइए, आपत्ति का क्या आएगा? आपत्ति का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइएगा कौन सा है। आपत्ति का कौन सा है ऑप्शन? जल्दी बताइएगा। ए, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आपका 21 का हो जाएगा ए, ऐतिहासिक। आह कितना सुहाना मौसम है, कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर आपका होगा कौन सा वाक्य? आह, विस्मय, यानी कि जो लगा हुआ है अपना, कौन सा शब्द है ये आपका हो जाएगा? विस्मय सूचक। आहा, यानी कि 22 का आ जाएगा बी, ये संदेह सूचक है, संदेह। आहा कितना सुंदर। सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा? 23 का क्या होगा? बी, उसका निश्चित अर्थ हो। देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि आपका हो जाएगा हिंदी। नासिक व्यंजन क्या है? नासिक का मतलब होता है पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। रण नाम रण। पंचम वाला लास्ट में आता है ना, लास्ट वाला पंचम वर्ण वही है। उच्चारण में त्रुटियों का कारण क्या है? भाषागत, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना हो। देशा शब्द कौन सा? देशा पगड़ी। कौन सा विदेशी शब्द से नहीं आया है? विदेशी ट्रेन। अच्छा, विदेशी शब्द पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी है क्या? कबड्डी आएगा 28 का डी, कबड्डी है। परीक्षा कौन सा शब्द आता है? परीक्षा, तत्सम। वकील आपका अरबी। गरिमा का लंगिमा। कुसुमेसु का अर्थ है कामदेव। चलता पुर्जक मतलब होता है धूर्त। आंख सेकना का मतलब दर्शन सुख लेना। योग रूढ़ है आपका लंबोदर। गाल बजाना का मतलब होता है डिंग हाँकना। आग लगना का मतलब होता है ये आपका नींद आना। चिकना घड़ा का मतलब होता है निर्लज होना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन मूर्खतापूर्ण कार्य करना। लंगोटी में फाग खेलना का मतलब होता है दरिद्रता में आनंद लेना। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन का लिए है PDF 2 का, ये है 40 MCQ। ठीक है, तो आप लोग को मैं टॉपिक बता दिया हूँ है ना, आप लोगों को मैं टॉपिक बता दिया हूँ, जल्दी से आप लोग आ जाइएगा। टॉपिक कल के क्लासेस में लेंगे, समास, काल, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, ये सब पढ़ के आना है कल आपको। वीडियो को 2 से 3 बार देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही।
थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू वाचिंग, थैंक यू।